उत्तर प्रदेश चुनाव में रणनीति का पूरा एक सिरा संभाले हुए हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। भाजपा की जो चुनाव की जो कमान है इस समय उत्तर प्रदेश के पूरे कानपुर क्षेत्र में इनके हाथ में है, एक्सक्लूसिवली इंडिया फर्स्ट के साथ मौजूद हैं। सर, लगातार आप उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, किस तरह की जोश और किस तरह का उत्साह उनमें आप देख रहे हैं? माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। प्रकाश सूरज से आता है, मोदी जी का जो प्रकाश आ रहा है उससे उज्ज्वलित हो रहे हैं कार्यकर्ता और सरकार बनाने हम जा रहे हैं। मेरी भूमिका वहाँ एक गिलहरी से ज़्यादा नहीं है, वहाँ का कार्यकर्ता स्वयं और जनता स्वयं परिवर्तन चाहती है, इसलिए परिवर्तन अवश्यंभावी है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो जातिवाद के आधार पर होता है, इस समय आप क्या कुछ देख रहे हैं? निश्चित रूप से वहाँ जो तथाकथित सो कॉल्ड नेता हैं वो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, टिकट पार्टियाँ देती हैं, चुनाव जातियाँ लड़ती हैं। लेकिन इन सब के सपा फिर बसपा फिर सपा, 15 साल हो गए इन सब के शासन से, आज जा चुकी है जनता। बिजली नहीं है वहाँ पर, पानी पीने को नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त है। ऐसा जहाँ जानो माल की हिफाजत न हो उस प्रदेश में लोग परिवर्तन चाहते हैं। गुंडागर्दी एक बड़ा मुद्दा है, समाजवादी पार्टी पे इस तरह के दाग लगते रहे। माफिया राज है, उनके लोग हर जगह पर हैं और इसलिए नीचे के स्तर से लेके ऊपर तक एंटी इनकम्बेंसी है जी। परिवारवाद की जो लड़ाई है उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वो तो सोची समझी स्क्रिप्ट है उनकी, ये जनता समझती है। सर, ये पैसों का काफ़ी उसमें उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है काफ़ी बाहर बह रही है, इससे आप बीजेपी कितनी अछूती है इससे? भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी और हमारा सोच और दिशा अलग है, उनके उससे हम प्रभावित नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और यही बात कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साफ तौर पर कह रहे हैं। कैमरामैन आशु खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।